टेड बंडी एक हैंडसम हंक था जो बड़ी आसानी से लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन इसके साथ उसके मन में क्या चल रहा है इस बात को लड़कियां समझ नहीं पाती थी। इसके इस नेचर का कारण कहीं ना कहीं इसके बचपन में छुपा था। दरअसल टेड बंडी जिस महिला को अपनी बहन मानकर उसके साथ रहा करता था, उसे बाद में ये पता चला कि वही महिला उसकी माँ है और वो इस महिला की नाजायज औलाद। उसकी माँ ने उसे शादी से पहले ही जन्म दे दिया। शायद इस सच्चाई को वो पूरे मन से स्वीकार नहीं कर पाया और उसका मन महिलाओं के प्रति विद्रोह से भर गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने नए साथियों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेड बंडी ने पहला जो उस वक्त किया था जब वो 27 साल का था और साइकोलॉजी की स्टडी कंप्लीट कर चुका था और वॉशिंगटन में रहकर अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नौजवान स्टूडेंट कैरन स्पार्क से हुई। कैरन बहुत अच्छी डांसर थी और एक इंटेलिजेंट टैलेंटेड लड़की। कैरन की उम्र केवल 18 साल थी। मैंडी मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगा। आगे चलकर उसने उससे प्यार का इजहार भी किया, लेकिन कैरन ने मना कर दिया। कैरन का ये इनकार मैंडी सहन नहीं कर पाई और उसके मन में बदले की भावना भर गई। उसे बदला लेने का एक मौका मिला 4 जनवरी साल 1974 की रात, जब वो कैरन के अपार्टमेंट के नीचे वाले बेसमेंट में छुप गया। उसने करंट पर रॉड से हमला किया और उसके बेहोश होने पर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। करंट का एक दोस्त दूसरे कमरे में नींद में बड़बड़ा रहा था, उसकी आवाज सुनकर वहां से भाग गया। करंट खुद कभी नहीं समझ पाएगी उसके साथ आखिर क्या हुआ। क्या 10 दिन कोमा में रहने के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ के लिए फाइनली लाइफ टाइम मेंटली और फिजिकली अनफिट हो गई। इसके केवल एक महीने के भीतर ही टेड बंडी का अगले शिकार बने लिंडा एन हैली। इस खूबसूरत लड़की की उम्र केवल 21 साल थी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से ये साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। लिंडा हैली काफी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट थी। वो एक सिंगर भी थी और लोकल रेडियो स्टेशन पर मॉर्निंग शो किया करती थी। 1 फरवरी साल 1974 को सुबह 5 बजे लिंडा अपने बिस्तर पर सो रही थी, तब टेड बंडी ने चुपके से उस पर हमला किया और उसे उसके घर से उठाकर अपनी कार में एक सुनसान जगह पर ले गया। इसके बाद लिंडा का कभी कोई पता नहीं चल सका। जब टेड बंडी को गिरफ्तार किया गया और उसने डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट के सामने अपने कारनामों का खुलासा किया, तो सुनने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बताया कि वो लड़कियों को अपने कार में अगवा करके सुनसान जगह पर ले जाया करता था, उनके साथ रेप किया करता था और जब तक वो जिंदा रहती थी तो उनके साथ बुरी तरह मारपीट किया करता था। जब मर जाती थी तो उनकी डेड बॉडी के साथ भी रेप किया करता था और लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया करता था। डेड बॉडी के सड़ जाने से सबूत नहीं रहता था। जंगल में लावारिस पड़ी डेड बॉडी को जंगली जानवर भी खा जाया करते थे। उसने इस बात का भी खुलासा किया कि वो जिन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था उन्हें मारने के बाद वो अपने साथ लड़कियों के सर काट कर ले जाया करता था। उन्हें वो अपने अपार्टमेंट में कुछ इस तरह सजा देता था जैसे कि ये कोई ट्रॉफी हो। रात में अपने बिस्तर में वो उन लड़कियों के सिरों को लेकर सोया करता था। इतना ही नहीं, जब उसकी इच्छा होती थी तो वो क्राइम सीन पर जाता था, वहां मौजूद लड़कियों की डेड बॉडी के साथ फिर से रेप किया करता था। ऐसा वो एक लाश के साथ तब तक किया करता था जब तक कि वो डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ गल ना जाए। टेड बंडी को लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने और उनके साथ मनमानी करने की लत लग गई। वो अपने हर क्राइम को करने की लोकेशन बदल देता था। वो अपने हर क्राइम को इस तरह से अंजाम देता था कि पुलिस उस तक पहुंच भी नहीं सकती थी। लेकिन लगातार लड़कियां गायब हो रही थी और ये तमाम लड़कियां कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाली थी। अब टेड बंडी अपने शिकार लड़कियों को अलग अलग बहाने से अपने साथ ले जाने लगा। कभी किसी को लिफ्ट दे देता तो कभी किसी से लिफ्ट मांग लेता, मगर जो लड़की उसके करीब आती वो फिर इस दुनिया से चली जाती। ये लड़कियां कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, इसलिए मीडिया ने इस अनजान सीरियल किलर को कैंपस किलर का भी नाम दे दिया। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की दुनिया में ये बात फेमस है कि वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है, अपने पीछे ऐसा सुराग जरूर छोड़ता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। ये घटना 8 नवंबर साल 1974 की है, जब कैरोल द रॉड्स नाम की एक लड़की एक शॉपिंग स्टोर में मौजूद थी। तभी उसके सामने एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को डिटेक्टिव बताता है और उससे लड़की को हथकड़ी लगाकर अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। ये कोई और नहीं, टेड बंडी ही था।
वो कार को सुनसान जगह पर लेकर जाकर रोक देता है और फिर उस लड़की पर रॉड से हमला करता है। लेकिन वो लड़की टेड बंडी के चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब हो जाती है। वो लड़की भागकर पुलिस में शिकायत करती है और टेड बंडी का हुलिया बताती है, साथ ही टेड बंडी की कार फॉक्सवैगन बीटल के बारे में भी बताती है। अब तक पुलिस को यह नहीं मालूम था कि टेड बंडी ही कैंपस किलर है। अगस्त 1975 में टेड बंडी जब काफी तेजी से कार ड्राइव कर रहा था, तब उसे पुलिस ने रोका और उसके कार की तलाशी ली, तो उसके कार में लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स, हैंड ग्लव्स, चाकू, लोहे की रॉड जैसी कुछ चीजें मिली, जिसे लेकर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। पर अब टेड बंडी पुलिस की निगरानी में था। पुलिस चोरी छिपे उस पर हमेशा नजर रखने लगी। अक्टूबर 1975 में कैरोल द रोड की गवाही पर टेड बंडी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलता है। अगले साल फरवरी महीने में कोर्ट उसे कैरोल द रोड की इलीगल कस्टडी के लिए 15 साल की सजा सुनाती है। पुलिस जब टेड बंडी की कार की बारीकी से तलाशी लेती है, तो उसे कुछ अन्य महिलाओं के सिर के बाल भी मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस भी पुलिस कलेक्ट करती है। इसके बेसिस पर पुलिस ये कंफर्म करती है कि टेड बंडी ही कैंपस किलर है। टेड बंडी को एस्पेन, कोलोराडो की जेल में रखा गया, लेकिन 1977 के जून माह में वहां से वो फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे केवल 6 दिनों के भीतर ही दोबारा अरेस्ट कर लिया। इस बार उसे पहले से भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा गया। लेकिन दिसंबर 1977 को टेड बंडी अपने कमरे की छत में सुरंग बनाकर वहां से फरार हुआ और फिर सिविलियन कपड़े पहनकर बाकायदा जेल के गेट से बाहर निकल गया। जब जेल प्रशासन को इसकी खबर लगी तो हड़कंप मच गया। FBI ने इसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल किया और उसके साथ ही इसके ऊपर इनाम भी रखा। टेड बंडी लगातार महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। फरवरी 1978 को ओवर स्पीडिंग के चलते उसे एक बार फिर अरेस्ट किया गया। उस पर 3 और महिलाओं के कत्ल के सिलसिले में फ्लोरिडा में केस चलने लगा। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया। ये ट्रायल अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा मामला था जिसे नेशनल टेलीविजन पर देखा गया। इस मामले को 250 से अधिक देसी विदेशी पत्रकारों के द्वारा कवर किया गया। टेड बंडी को किसी सेलिब्रिटी की तरह शोहरत हासिल थी। जेल में टेडी बंडी से मिलने वालों में डिटेक्टिव जर्नलिस्ट के अलावा महिलाएं भी थी। टेड बंडी ने अपना केस खुद ही लड़ा। कोर्ट ने उसके लिए 5 अटॉर्नी नियुक्त किए। उसने एक पेशेवर वकील की तरह अपना केस लड़ा और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। फाइनली कोर्ट को यहां तक कन्विंस कर लिया कि अगर वो अपने 3 जुर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे केवल 75 साल की सजा होगी और इसके आगे उस पर कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन कोर्ट में ऐन वक्त पर वो खुद ही अपने इस डील से मुकर गया, जिसके बाद मुकदमों को आगे चलाने का फैसला किया गया। कोर्ट के ट्रायल के दौरान ही कोर्ट परिसर में टेड बंडी ने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड कोरल बून को प्रपोज किया और उससे शादी भी की। लेकिन फाइनली 10 जनवरी साल 1980 को कोर्ट ने टेड बंडी को मौत की सजा सुना दी और उसे इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठाकर मारने के आदेश दिया। इसके बाद 1984 में एक बार उसने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके बाद फाइनली समझ गया कि अब उसका निकलना मुश्किल है। उसने जेल में मिलने आने वाले पत्रकारों और जासूसों को इंटरव्यू देना शुरू किया और एक के बाद एक 36 महिलाओं के कत्ल की बात को कबूल किया। लेकिन उससे बात करने वाले पत्रकारों का कहना था कि उसने लगभग 100 कत्ल किए हैं। 24 जनवरी सन 1989 को उसे मौत की सजा दे दी गई। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।